वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अगेन वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन द जीके क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेक द रिवीजन वर्कशीट ऑफ चैप्टर नंबर 9। इसका स्टूडेंट्स बुक वर्क मैंने आपको करा दिया है चैप्टर नंबर 9 का जीके में। आज मैं इसकी रिवीजन वर्कशीट कराने जा रही हूँ। दिस इज वेरी इजी, आपको साथ के साथ लर्न भी करनी है एंड यू हैव टू डू दिस वर्कशीट आइदर इन योर जीके टेस्ट नोटबुक और इन योर एनी रफ नोटबुक। सो क्लियर, लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट जीके चैप्टर नंबर 9, गुड हैबिट्स एट होम एंड दिस इज द रिवीजन वर्कशीट। सो टेक द गुड हैबिट्स। आपको इसके अंदर क्या करना है, ओनली जो आपकी गुड हैबिट्स हैं, गुड मैनर्स हैं, उनको टिक करना है। फर्स्ट वन, वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स। इसका मतलब है बहुत देर तक, बहुत सारे घंटों तक लगातार बैठ के टीवी देखनी चाहिए। आप बताइए, टीवी देखनी चाहिए लगातार? अगर आप कंटिन्यूसली इतने आवर्स तक टीवी देखेंगे तो क्या होगा, आपकी आईज बिल्कुल खराब हो जाएंगी, आपके हेड में दर्द होगा, आपके हेडेक होने लग जाएगा और आपके ब्रेन पे भी असर पड़ेगा। इसलिए दिस इज अ वेरी वेरी बैड हैबिट। तो आपको क्या करना है, ये गुड हैबिट है नो, तो आपको नो पे टिक करना है। क्लियर। अब नेक्स्ट है हेल्पिंग योर मदर इन हाउस होल्ड वर्क। क्या आपको अपनी मम्मा का घर के कामों में हेल्प करना चाहिए या घर के काम करवाने में उनकी हेल्प करनी चाहिए, करनी चाहिए या नहीं? यस, ऑब्वियसली। आपकी मम्मा आपके लिए कितना करती है, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी कि आप भी आप मम्मा के साथ हेल्प करेंगे कि जिससे मम्मा का भी बर्डन कम हो जाए और फटाफट वर्क हो जाए। सो दिस इज अ वेरी गुड हैबिट और आप सबको ये करना चाहिए। हेल्पिंग अदर्स, शेयरिंग अदर्स इज अ वेरी गुड हैबिट एंड यू ऑल्सो हैव टू फॉलो दिस फॉर ऑलवेज। क्लियर। सो यस, कमिंग टू द थर्ड वन, फाइटिंग विद योर सिबलिंग्स। सिबलिंग का मतलब क्या होता है, भाई बहन। क्या आपको अपने भाई बहन के साथ लड़ना चाहिए, आप बताइए, लड़ना चाहिए, फाइटिंग करना अच्छी बात होती है? नो, क्योंकि जब भी फाइटिंग होती है कभी ना कभी किसी ना किसी को लगती है और किसी को गलती से बहुत ज्यादा लग जाती है, किसी की आईज में लग जाती है, किसी के ब्लड निकल जाता है, तो दिस इज अ वेरी बैड हैबिट। आपको कभी भी फाइट नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मम्मा को बोलो, पापा को बोलो, या आप अपने फ्रेंड से लड़ रहे हो तो भी आप उनके मम्मा पापा से बोलो, बट आपको कभी भी किसी से भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। दिस इज अ वेरी बैड हैबिट। तो क्या है यहाँ पे, फाइटिंग विद योर सिबलिंग, क्या आपको अपने भाई बहनों के साथ लड़ना चाहिए? नो। सो यू हैव टू टिक मार्क ऑन नो। क्लियर स्टूडेंट्स, कमिंग नाउ टू द फोर्थ वन, हर्टिंग और टीजिंग एनिमल्स। क्या आपको एनिमल्स को हर्ट करना चाहिए, मारना चाहिए? और टीज का मतलब होता है परेशान करना। किसी किसी की आदत होती है ना कि जैसे काऊ है उसकी टेल खींच रहे हैं या उसको पत्थर से मार रहे हैं, तो ऐसा करना चाहिए? अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसे लगेगा आपको, आपको पेन होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको ऐसा लगेगा ना कोई आपको इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है। सेम थिंग, बस आप बोल सकते हो और एनिमल्स बोल नहीं सकते। अगर आप एनिमल्स को परेशान करोगे तो उनको भी पेन होगा, उनको भी गुस्सा आएगा। सो इट्स अ वेरी बैड हैबिट। तो क्या आएगा यहाँ पे, नो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ एंड द लास्ट वन, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या सुबह जल्दी उठना चाहिए? सुबह उठना एक अच्छी आदत होती है, गंदी आदत होती है? ऑब्वियसली उठना चाहिए, यस, इट्स अ वेरी गुड हैबिट। क्यों? अगर आप जल्दी उठेंगे, टाइमली उठेंगे, तो आपका जितना भी वर्क है वो टाइमली हो जाएगा। आपको लर्न करने के लिए, आपको प्ले करने के लिए, आपको जितने भी बाकी के वर्क है उनको करने के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। सो यस, इट्स अ वेरी गुड हैबिट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्लीप अर्ली एट नाइट। सो क्लियर, आपको यस पे टिक लगाना है। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बता दिया था आपको कोई भी रफ नोटबुक में या टेस्ट नोटबुक में इसको वर्कशीट को करना है और आपको लर्न भी करना है। सो टुमारो अगेन आई विल कम हियर विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ जीके रिवीजन वर्कशीट ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।